बेचने वाला राज करे और पीने वाला मरे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। शीतकालीन सत्र में जबरदस्त विरोध करने के बाद अब एक बार फिर से बीजेपी विधानमंडल दल के जो सारे सदस्य हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पर ये जो शताब्दी समारोह के मौके पर जो ये बनाई गई थी स्मृति स्तंभ, इसको इस यहाँ पर बैठकर जो तमाम बीजेपी विधानमंडल दल के जो भी नेता हैं, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ साथ विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के साथ तमाम जो बीजेपी के विधायक और विधान परिषद के सदस्य हैं, वो तमाम लोग जो है वो यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पर जो जहरीली शराब पर नीतीश कुमार ने कहा है कि हम मुआवजा नहीं देंगे, तो मुआवजे को लेकर जो ये जोरदार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जोर शोर से जो विरोध है वो करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और सीधे तौर पर जहरीली शराब कांड मामला है उस पर जांच करने की जो मांग है वो की जा रही है। तौर पर तमाम बीजेपी के विधायक है, विधान परिषद के सदस्य है, वो यहाँ बैठकर तौर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर लिए। सीधे तौर पर नीतीश कुमार को छपरा कांड का दोषी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा आरोप है जो नीतीश कुमार पर जो लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमारे साथ विधायक हैं बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर। सर, आप लोग आज एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? निश्चित रूप से जब तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उन महिलाओं का क्या दोष है, उन बच्चों का क्या दोष है, बेचने वाला राज करे और पीने वाला मरे, ऐसा नहीं चलेगा। जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। साथ ही सदन में जो आवाज विपक्ष का दबाया गया, वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है नहीं गाया गया, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों का धरना है। और आपने देखा होगा कि गेट भी बंद कर दिया गया है, ये अलोकतांत्रिक और ये सरकार की गुंडागर्दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी पहुंची है जांच करने, उसका भी सरकार कह रही है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्यों आए हैं जांच करने। इतना कौन सा दोष है जो छिपा रहे हैं, इतना जो चिल्ला रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन जो आया है, मानवाधिकार आयोग, दूसरों राज्यों में भी जाता है। अगर उनको डर नहीं है, अगर दोष नहीं है तो डरते क्यों है? जहरीली शराब से जो मौत हुई है, साथ ही साथ जो बिहार विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है उसमें जो राष्ट्रगान नहीं बजाया गया, इसको लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बीजेपी विधानमंडल दल के सदस्य हैं वो विरोध कर रहे हैं। और इस मौके पर हमने हरिभूषण ठाकुर बचौल से बातचीत की, उन्होंने बताया कि जो सरकार है वो मुआवजा दे, क्योंकि उन छोटे बच्चों और उन महिलाओं का क्या दोष है जिनके पति या फिर जिनके पिता ये तमाम लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, उन्हें मुआवजा मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आने पर भी सरकार सवाल खड़े कर रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा क्या दोष है जो छुपा रहे हैं और इतना चिल्ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगातार भारतीय जनता पार्टी बिहार में घेर रही है। सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने जो मुआवजा नहीं देने की बात कह दी है और उस पर वो अभी तक अड़े हुए हैं, इसको लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, एसजी न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।